का नौ फुट तल का मैंने देख सकते हो राजीव दादा। सो गाइज आखिरी फेरी बाकी है और शीर्ष नायक आगे है और शरद दादा 1100 मत से पीछे है, पूरी देख सकते हो। और भरत भाव साहब उनके पीछे है, शरद दादा के पीछे। ओके दोस्तों आगे चलते हैं, अभी आगे देखते हैं अभी क्या होता है। अभी आखिरी फेरी है गाइस 24वीं, चलो देखते हैं क्या होता है, क्या बोलती है पब्लिक। काय भाई काय आखनो जाए, काय नाही सरोज दादा श्रीकांत होते हैं कि नहीं। ओके भाई पब्लिक का कहना है शरद दादा जीकान जो से अभी आगे का पब्लिक क्या भाई कहना जीकान जो से शरद दादा। ओहो शरद दादा ओके भाई कई भाई कहना जीकान जो से गाड़ी है डैडी गिलास है गिलास ओके ओके भाई यहाँ पे आगे चलते इसका ददमा चल रहा है, पंजा आ गया बोल रहे भाई चले सो गाइस पब्लिक देख सकते हो हमारे नवापुर की पब्लिक। गाइस पब्लिक तो पंजा पंजा बोल रही है और कुछ भाई शरद भी बोल रहे हैं, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। पंजा लहरा रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है दोस्तों अभी हम ऊपर चलेंगे। किधर लेके जा रहा है भाई, ए देखो इसको देखो भाई अभी नींद से उठ के आया है। कोई कोई है ए कोई कोई है, हमारे ढोने भाई भी है और ये हम है, और अभी देखते हैं पंजा आता है कि गिलास आता है। क्या भाई कुछ बोलेंगे भाई Oh.
हाय 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 ओहो ओहो ओके उच्चे कहने चढ़ो रा नहीं रा भाई उच्चे जाए नो है चल चल बीस में नहीं जाओ कांटे की टक्कर लगी है दोस्तों अभी देखते हैं थोड़ी देर में शरद कुमार गावित अपन संचार सो गाइस पब्लिक का रिएक्शन लेने के लिए ऊपर जा रहे हो ओके दोस्तों बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गए हैं हम देख सकते हो ओहो हो मोबाइल नंबर नहीं देखा इधर पंजा ले रहा है दोस्तों पब्लिक इधर भी है शरद दादा और शिरीष नाइक का टक्कर चल रहा है दोस्तों इधर गिलास चले चले ओके देख सकते हो पंजा वाले भाई है ऐसा लग रहा है तुम्हें बेसब्री से इंतजार सब गाइस हमारे शिरवा के भाई लोग मिल चुके हैं देख सकते हो राजेश दादा राजेश्वरी हमारे नागपुर तालुका के अध्यक्ष हमसे हमारे एमजे एकेडमी वाले सर देख सकते हो फॉर्म 20 नुसार चार नवापुर राज्य विधानसभा मतदार संघासाठी अंतिम आकडेवारी अशी आहे
उमेदवारांना मिळालेली अंतिम मते खालील प्रमाणे आहेत. भरत माणिकराव गावित नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ईव्हीएमद्वारे मिळालेली त्यांना मते 55,706. पोस्टल बॅलट पेपरद्वारे मिळालेली मते 470. टोटल वोट दोघांची मिळून 56,176. शिरीष कुमार सुरूप सिंग नाईक इंडियन नॅशनल काँग्रेस ईव्हीएम मशीनद्वारे प्राप्त मते 86,183. पोस्टल बॅलट पेपरद्वारे मिळालेली मते 983. एकूण मते 87,166. अरविंद पोसल्या वळवी भारत आदिवासी पार्टी ईव्हीएमद्वारे मिळालेली मते 1,170. पोस्टल बॅलेटद्वारे मिळालेली मते 12. एकूण मते 1,182. रणजित वंत्या गावी पीजन्स अँड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया ईव्हीएमद्वारे मिळालेली मते 2,853. पोस्टल बॅलेटद्वारे मिळालेली मते 5. एकूण मते 2,858. मते 5. कौशल्या फत्ते सिंग गावी ईव्हीएम मशीनद्वारे मिळालेली एकूण मते 756. पोस्टल बॅलेटद्वारे प्राप्त मते 3,759. दिनेश काशीनाथ वळवी ईव्हीएम मशीनद्वारे मिळालेली एकूण मते 335. पोस्टल बॅलेटद्वारे मिळालेली 338. लाखू मधील गावी ईव्हीएम मशीनद्वारे मिळालेली एकूण मते 612. पोस्टल बॅलेटद्वारे मिळालेली एकूण 700 मते. एकूण मिळालेली मते 615. शरद कृष्णराव गावित अपक्ष ईव्हीएम मशीनद्वारे मिळालेली एकूण मते 85,600. 1,012. पोस्टल बॅलेटद्वारे मिळालेली मते 2. एकूण मते 1,014. संजय दिनकर वळवी ईव्हीएम मशीनद्वारे तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 1,121 ईसाई सुना शायद इतने वोट से आगे है शिरीष गावी 24वीं लास्ट फेरी और अभी ये एप्लीकेशन दिया है रिकाउंटिंग के लिए तो रिजल्ट भी लग रहा है शिरीष नाईक का ही निकलेगा. तो दोस्तों वैसे सभी लोग मान चुके हैं शिरीष नाईक विनर हो चुके हैं. तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद वंदे मातरम.